हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार तिवारी। आपको स्वागत है जय हो फैंटेसी चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं बीसीसी वर्सेस डब्ल्यूजीसी टीम के बारे में। मैच स्टार्ट होने में अभी भी 17 आवर्स 14 मिनट्स हैं। इंडिया का टाइम का आंसर देखा जाए तो ये कल सुबह का 10 बजे को मैच स्टार्ट होगा। पिच के बारे में बात करते हैं, पिच बॉलिंग के लिए अच्छा सपोर्ट करेंगे और एवरेज स्कोर के बारे में बात करें तो 130 से 140 का बीच में स्कोर बनेगा। ये पिच फास्ट बॉलिंग के लिए अच्छा सपोर्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर बाई मिस्टेक डिस्क्रिप्शन से मेरे टेलीग्राम चैनल सोनी होता तो आप टेलीग्राम में जाके @jhofantasy सर्च करते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा। इसी तरह सर्च करते हैं, मेरा टेलीग्राम चैनल शो हो जाएगा। कुछ बंदे ने मेरे टेलीग्राम चैनल के नाम से फेक अकाउंट बनाया। दोस्तों, इस तीनों अकाउंट को भूल से भी ज्वाइन मत करना। आपको एक फेक टीम देगा, एक फेक अकाउंट भी है जिसमें आपको 1437 सब्सक्राइबर्स दिखाई दे रहे हैं। जिसमें आपको 1400 प्लस सब्सक्राइबर्स होंगे दोस्तों, उसी पर आप ज्वाइन कर लेना। इसी तरह मैं आपको फाइनल टीम दूंगा दोस्तों लाइनअप अनाउंस होने के बाद। जो मैं आपको टीम दूंगा, आप हेड टू हेड 3 स्पॉट 4 स्पॉट और 5 स्पॉट्स में ट्राई करेंगे तो 100% विन होंगे। अब तक आपका जितना लॉसेस हुआ सब लॉसेस को कवर कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने फाइनल टीम का नीचे 3 लिंक प्रोवाइड करता है दोस्तों। एक है माई मास्टर में, दूसरा कुबेरा और तीसरा विजन लेवन। दोस्तों, तीनों आप कमाल कैप है, सो तीनों में लो काउंट होता है। अब तीनों में 100% मनी इजीली से अर्न कर सकते हैं। पहला वाला दोस्तों माई मास्टर में का लिंक, माई मास्टर में एक न्यू ऐप है दोस्तों, इसमें लो काउंट होता है, 100% मनी इजीली से अर्न कर सकते हैं। कमाल के ऐप है दोस्तों माई मास्टर में। माई मास्टर का लिंक है दोस्तों, क्लिक करते सो जगह तुरंत डाउनलोड कर, आप 100% माई मास्टर में मनी इजीली सेंड करेंगे। और दूसरा वाला सो कुबेरा, कुबेरा के बारे में बात करें तो कुबेरा में अगर आप डी यू ओ का टीम में खेलेंगे दोस्तों, तो आप 100% मनी इजीली सेंड कर सकते हैं। कमाल का ऐप है दोस्तों कुबेरा, कुबेरा में आप 100% मनी इजीली सेंड करेंगे। कुबेरा का लिंक है दोस्तों, क्लिक करते सो जाए तुरंत डाउनलोड कर लेना। और तीसरा वाला सो विजन इलेवन, विजन इलेवन के बारे में आप सब लोग जानते हैं, सो विजन इलेवन आप 100% मनी इजीली सेंड करेंगे। कमाल का ऐप है सो विजन इलेवन, विजन इलेवन का लिंक है दोस्तों, क्लिक करते सो जाए तुरंत डाउनलोड कर लेना। दोस्तों, मैंने तीनों ऐप में मनी इजीली सेंड कर रहा हूँ, आपको भी तीनों ऐप में मनी इजीली सेंड कर रहा हूँ। तुरंत लिंक से तीनों ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, आप 100% तीनों ऐप में मनी इजीली सेंड करेंगे। जो भी कबड्डी का लीग हो रहा है सो किनिया लीग, उसमें मैं आपको मैं 6-6 ग्रैंड लीग प्रोवाइड करूँगा, सो 100% मनी इजीली से अर्न करेंगे। हर मैच में मैंने कबड्डी में आपको मैं 6-6 ग्रैंड लीग प्रोवाइड करूंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, लेट नहीं करते हैं, वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं। पहले विकेट कीपर में देखा जाए तो मैंने एक विकेट कीपर को पिक करूंगा सर, ई रॉय को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विकेट कीपर बैट्समैन सर ई रॉय, आप इनको 100% पिक कर लें। ई रॉय का लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात करते, रॉय ने लास्ट 8 गेंदों में 6 रन मारा था दोस्तों। मैंने विकेट कीपर को पिक कर लिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विकेट कीपर बैट्समैन सो आप इनको 100% पिक कर लेना। अब बैट्समैन देखा जाए तो मैंने बैट्समैन पिक करूँगा सर एस मंडल को दोस्तों, और एच सिंह को, और जे अली को दोस्तों, और आर दास को। पूरा मैंने 4 बैट्समैन को पिक किया, चारों बैट्समैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैट्समैन सर, आप चारों को 100% पिक कर लेना। चारों बैट्समैन का लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात कर रहे तो एस मंडल के बारे में बात करें तो मंडल ने लास्ट मैच में उनका स्टैट्स के बारे में बात करें तो मंडल ने लास्ट 11 गेंदों में 6 रन मारा था दोस्तों। और एच सिंह के बारे में बात करें तो एच सिंह ने लास्ट मैच में 4 गेंदों में 1 रन मारा था। और जे अली के बारे में बात करते हैं, जे अली ने लास्ट मैच में 2 गेंदों में 4 रन मारा था। सो यार दास के बारे में बात करते हैं, दास ने लास्ट मैच में 27 बॉल्स पर 31 रन मारा था। दास ने लास्ट मैच में अच्छी बैटिंग की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैट्समैन है। मैंने बैट्समैन ने 4 बैट्समैन को पिक कर लिया, चारों बैट्समैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैट्समैन है, चारों को 100% पिक कर लेना। मैंने चारों बैट्समैन का स्टैट्स भी बता दिया, चारों बैट्समैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैट्समैन है, चारों को 100% पिक कर लेना। आप ऑलराउंडर में देखा जाए तो मैंने ऑलराउंडर पिक करूँगा दोस्तों रियान परांग को दोस्तों, और ये चक्रवात को दोस्तों, ये आदव को। पूरा मैंने 3 ऑलराउंडर इसको पिक कर लिया, तीनों ऑलराउंडर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर सब, तीनों को 100% पिक कर लेना। तीनों ऑलराउंडर्स का लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात करें तो रियान परांग के बारे में बात करें तो परांग ने लास्ट 20 गेंदों में 40 रन मारता दोस्तों, और 4 ओवर डाल के 4 विकेट लिए। सो परांग ने लास्ट मैच कमाल का बैटिंग किया और कमाल का बॉलिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर सर रियान परांग, आप इनको 100% पिक कर लेना। और ये चक्रवात के बारे में बात करें तो चक्रवात ने लास्ट मैच में 2 गेंदों में 0 रन दोस्तों। और ये यादव के बारे में बात करते, यादव ने लास्ट में 1 ओवर डाला तो 1 ओवर डाल के 0 विकेट, विकेट तो नहीं मिला था। मैंने ऑलराउंडर में 3 ऑलराउंडर को पिक कर लिया, सो तीनों ऑलराउंडर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर सब, तीनों को 100% पिक कर लेना। मैंने तीनों ऑलराउंडर का स्टैट्स भी बता दिया, तीनों ऑलराउंडर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर्स है। अब बॉलर्स में देखा जाए तो मैंने बॉलर्स में पिक करूँगा दोस्तों, बॉलर्स में पी शर्मा को दोस्तों, और आर सिंह को,
और के कैटली को दोस्तों। पूरा मैंने तीन बॉलर्स को पिक किया, तीनों बॉलर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर्स, अब तीनों को 100% पिक कर लेना। तीनों बॉलर्स का लास्ट मैच के स्टैट्स के बारे में बात करें तो शर्मा के बारे में बात करें तो शर्मा ने लास्ट मैच चार ओवर डाले, चार ओवर डाल के दो विकेट लिए। शर्मा ने लास्ट मैच कमाल का बॉलिंग किए थे। और आर सिंह के बारे में बात करते, आर सिंह ने लास्ट मैच चार ओवर डाला, सॉरी दोस्तों चार ओवर डाल के एक विकेट लिया था। और केटली के बारे में बात करते, केटली ने भी लास्ट मैच चार ओवर डाल के एक विकेट लिए। दोस्तों मैंने बॉलर्स में तीन बॉलर्स को पिक कर लिया, तीनों बॉलर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर्स, अब तीनों को 100% पिक कर लेना। मैंने तीनों बॉलर्स का स्टैट्स भी बता दिया, तीनों बॉलर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉलर्स है। अगर विकेट कीपर में देखा जाए तो मैंने एक विकेट कीपर को पिक किया, बैट्समैन में देखा जाए तो मैंने चार बैट्समैन को पिक किया, ऑलराउंडर में देखा जाए तो मैं तीन ऑलराउंडर को पिक किया, बॉलर्स में देखा जाए तो मैं तीन बॉलर्स को पिक किया। पूरा मैंने 11 प्लेयर्स को पिक कर लिया, 11 प्लेयर्स का स्टैट्स भी बता दिया। इन 11 प्लेयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, 11 प्लेयर्स को 100% पिक कर लेना। अब कप्तान और इस कप्तान के बारे में बात करिए तो मैंने कप्तान में बनाऊंगा रियान परांग को दोस्तों, और वाइस कप्तान में हर्ष सिंह को। दोस्तों एक बार मेरी टीम को देख लीजिए, मैंने विकेट कीपर में एक विकेट कीपर को पिक किया ई रॉय को, और बैट्समैन में देखा जाए तो मैंने चार बैट्समैन को पिक किया, आर दास, हर्ष सिंह, एस मंडल और जे अली को, और ऑलराउंडर से देखा जाए तो मैं तीन ऑलराउंडर्स को पिक किया, रियान परांग को दोस्तों, ये चक्रवात को, ए यादव को, और बॉलर्स में देखा जाए तो मैं तीन बॉलर्स को पिक किया, पी शर्मा, आर सिंह और के केटली को। मैंने कप्तान में बनाया सर रियान परांग को, और वाइस कप्तान में हर्ष सिंह को। दोस्तों मेरे कोई फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको लाइनअप बना सोने के बाद मेरे टेलीग्राम में मिलेगा, इसलिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जो आपको टीम दिखाई दे रहा है स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल लीग हेड टू हेड थ्री स्पॉट, फोर स्पॉट और फाइव स्पॉट्स में 100% विन होंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और लाल वाला घंटी को जरूर दबाना। थैंक यू।